भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र के सच्चिदानंद नगर कॉलोनी में 7 साल की बच्ची को अनजान शख्स चॉकलेट के बहाने ले जा रहा था। पुलिस को देख शख्स फरार हो गया। फिर ई रिक्शा चालक ने बच्ची को अकेला देख तिलकामांझी थाना पहुंचाया। बच्ची अभिलाषा के मुताबिक एक लड़का उसको 2 डेरी मिल्क चॉकलेट देकर हवाई अड्डा की ओर ले जा रहा था। पुलिस की गाड़ी देख कर भाग गया, जिसके बाद वो रोने लगी। उसे रोता देख वहाँ ई रिक्शा चालक उसे अपने साथ थाने ले गया। कौन ले जा रहा था भैया? क्या बोल करके? चॉकलेट दिलवाएंगे क्या? कौन सा चॉकलेट दिलवाए थे? कैगो? दो गो। कहाँ ले गए फिर? छोड़ के भाग गया। फिर किसको? पुलिस को देख के छोड़ के भाग गया। अच्छा, तो आप यहाँ फिर कैसे आए यहाँ पर? अच्छा, क्या नाम है आपका? पिताजी का नाम? आपके पापा आ रहे हैं यहाँ पर? मोबाइल नंबर याद था आपको आपके पापा का? मम्मी का बात हुआ है मम्मी से? मैं क्या बोली, मम्मी आ रही है? बच्ची की पहचान नुरुद्दीनपुर दुधला के राजकुमार मंडल की बेटी अभिलाषा के रूप में हुई है। वो सच्चिदानंद नगर कॉलोनी में अपने फूफा राजेश के यहाँ रहती है। राजेश ने बताया कि 7:30 बजे सुबह घर के बाहर खेल रही थी। जब घर में नहीं देखे तो काफी खोजबीन करने लगे, जिसके बाद थाने से सूचना मिली तो बच्ची को लेने आए हैं। मामला बच्चा जो है ना, मतलब घर पर से जो स्कूल ले जाने के क्रम में पता नहीं, मतलब घर में था और स्कूल 7:50 में लगता है उसको, फिर सोचे कि तैयार होगा लेकिन घर में नहीं था। घर में नहीं होने के कारण हम लोग आसपास खोजने लगे तो पता चला कि तिलकामांझी थाना में बच्ची है, बरामद हुआ। इसलिए जो है कि हम लोग शांति दिए। बहुत क्या हो गया था बच्ची को, पता चला कि कैसे गायब हुई थी? नहीं बताया कि ये जो है ना फील्ड से, मतलब कोई टोटो वाला मतलब पहुँचाया यहाँ तिलकामांझी थाना। बच्ची के आप कौन है? हम फूफा हैं। बच्ची का घर कहाँ? नुरुद्दीनपुर दुधला। कहाँ से गायब हो गई? मेरे घर से। कहाँ से? सच्चिदानंद नगर से। बच्ची बता रही है? हम उनके फूफा है। बच्ची बता रही है कि कोई चॉकलेट का बहाने इसको लेकर जा रहा था। अब ये तो नहीं देखे है, वो बच्ची ही बता सकती है कि कौन लेके आया नहीं आया। भागलपुर के पुलिस जिला नगछिया पुलिस को उसमें बड़ी सफलता हाथ लगी जब उसने खरीक थाना क्षेत्र के नया टोला भवनपुरा निवासी कुख्यात मौसम यादव को पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। नगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें अगुप्त सूचना मिली कि हत्या, लूट, अपहरण, रंगदारी सहित कई संगीन मामलों का कुख्यात अपराधी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए हथियार के साथ घूम रहा है। पुलिस कप्तान ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खरीक थाना और नदी थाना पुलिस को कुख्यात की गिरफ्तारी को लेकर निर्देश दिए। दोनों थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बिस्पुरिया गांव के समीप एक व्यक्ति को संदिग्ध रूप से पाया और जब पुलिस ने उसे रुकने के लिए कहा तो वो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने उसे खदेड़कर पकड़ा। पुलिसिया पूछताछ में पकड़े गए अपराधी की पहचान अलग अलग थानों में 14 संगीन अपराधों के वांछित अपराधी कुख्यात मौसम यादव के रूप में हुई है। मौसम यादव कुख्यात अपराधी है जिसको हमने फरार घोषित करते हुए इनाम भी घोषित उसने किया हुआ था। इनामी अपराधी है और कई काम में वांछित भी था और ये लगातार सूचना हम लोग को मिल रही थी कि वो खरीक जो रेलवे स्टेशन है उसी के आसपास के इलाके में कहीं कहीं केला खेत में कहीं वो छिप करके रहता है और कोई कोई अपराध करने का योजना भी बना रहा था। इधर सूचना मिली थी तो हमने डीपीओ साहब को इस मामले में तौलब किया था। उनको कहा कि आप पूरा प्लान करके इसे देखें। कल भी सूचना मिली कि वो अभी फिर वो घूम रहा है तो तुरंत जो है थाना पहाड़ी खरीक और नदी दोनों को टीम बना करके पूरे बल के साथ उनके साथ और पदाधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर सुबेदार पासवान, सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार दोनों खरीक थाने के हैं और एएसआई अरविंद कुमार नदी का, और पूरा बल के साथ पूरा घेराबंदी किया गया तो बिस्पुरिया गांव से उसकी गिरफ्तारी हुई। जब उसे सर्च किया गया तो एक ये जो होता है कंट्री मेड पिस्टल और 6 कारतूस उसके पास से बरामद हुआ। एक कुख्यात अपराधी है ऐसा आप सबको है ना जानते हैं। इसकी गिरफ्तारी में जो पदाधिकारी है हमारे पहुंचे बहुत अच्छी भूमिका निभाई है।
उस पांचों में विशेषकर जो सब इंस्पेक्टर सुबेदार पासवान है उनकी भूमिका और सराहनीय है। उन्होंने कुछ आगे और बढ़ करके और पहले से भी काफी इस पर काम भी कर रहे थे। अच्छा ये उपलब्धि बड़ा कर रहा है, अच्छा उपलब्धि था ये खरीक थाने का, थाना नदी का। कितने मामले इंस्पेक्टर? 14 इसका क्रिमिनल हिस्ट्री है, जिसमें हम निर्देश भी दिया है जिन कांडों पे ये बेल पर छूटे हुए उन कांडों में इनका प्रस्ताव देंगे बेल कैंसिलेशन का, बहुत जल्द दे देंगे। और जिस कांडों में आपका ये थरार दिखाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया उस कांड को डिमांड किया जाएगा। और साथ ही हम लोग प्रयास करेंगे, निर्देश भी दिया हमने SDPO साहब को, आयोग को और थाना प्रभारी को भी, ये 7 से 10 दिन में हर हाल में चार्जशीट सबमिट कर रहे हैं ताकि हम स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा इसे दिला सकें। ये अपना नदी थाना केस था, वहाँ भी फरार था, जो खड़ी थाना केस था वहाँ भी फरार था, और कई कांडों में ये बेल पर था। तो 3 कांड में ये अपना फरार है, चल रहा था नदी और खड़ी थाने का, और हम और भी तो दिखवा रहे हैं, हो सकता है कि किस कांडों में और भी वो फरार हो, वांछित हो, वो दिखवा रहे हैं। महत्वपूर्ण है कि ये कई कांडों में कई कई केसेस का आपराधिक इतिहास रहा है, इनकी गिरफ्तारी काफी महत्वपूर्ण नौशिया पुलिस के लिए रही है और हम लोग का कोशिश होगा इसे हम सजा भी दिलाएं, स्पीडी ट्रायल चलवाएं। देखिए ये अपराधी है, ये हर तरह का अपराध में शामिल रहा है, मर्डर में भी रहा है, रंगबाजी में भी रहा है, रंगदारी मांगना, लूटपाट, हर तरह के अपराध में पुलिस साथ हमला भी ये किया हुआ है, फिर फायरिंग भी ये किया हुआ है, वो भी खरीद थाना में घटना घटी थी। तो ये कुख्यात अपराधी। सरकार दहेज प्रथा के रोकथाम को लेकर कई कदम उठा रही है और दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। बावजूद इसके दहेज की बलिवेदी पर लगातार बेटियों को चढ़ाया जा रहा है। ताजा मामला ईसीपुर थाना क्षेत्र के झरकुरिया का है, जहां ऋषि कुमार उपाध्याय की धर्मपत्नी सीमा कुमारी की हत्या का आरोप सीमा के पिता, भाई और परिजनों ने उसके पति और ससुराल वालों के ऊपर लगाया है। पीरपैंती प्रखंड के बाघरपुर निवासी वायुनंदन पांडे ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी हिंदू रीति रिवाज से 2021 में झरकुसिया गांव के सत्यनारायण उपाध्याय के छोटे लड़के ऋषि कुमार उपाध्याय से कराई थी। वायुनंदन पांडे ने बताया कि 6 माह तक उसकी बेटी सीमा का वैवाहिक जीवन ठीक से चला, उसके बाद उसके पति और ससुराल वालों के द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर सीमा के साथ ससुराल वालों के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इस बीच दुर्गा पूजा की 8 पूजा को एक बार फिर से ससुराल वालों ने उस पर दहेज लाने का दबाव बनाया और उसके साथ बुरी तरह मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद वो बुरी तरह बीमार पड़ गई। रेफरल अस्पताल के द्वारा सीमा को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन उसके ससुराल वाले उसका इलाज कराने झारखंड के गोड्डा रेफरल अस्पताल पहुंच गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतिका के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि सीमा की मौत के बाद उसके ससुराल वाले आनन फानन में उसका दाह संस्कार करने जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने पुलिस पर दबाव बनाकर सीमा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। अब मृतक के परिजन अपनी बेटी की हत्या किए जाने को लेकर पुलिस प्रशासन और सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हम बाखरपुर के वायुनंदन पांडे स्वर्गीय रामगुण पांडे का लड़का हूँ। हम अपना लड़की का शादी झुरखुशिया सत्यनारायण पधिया के छोटा लड़का से किए थे। शादी को कितना दिन हुआ था? 2021 में किए। तो उस लड़की के साथ क्या हुआ था? वो लड़की के साथ वही लोग किया, दान दहेज का पहले बात था वो हम दिए, और उसके बाद 6 महीने के बाद तो लोग फरमाइश करने लगा लड़की को। और क्या फरमाइश की? टीवी मांगो अपने पिताजी से, फ्रिज मांगो, गाय मांगो, उसे खाना भी नहीं पीता था लो बढ़िया, उसको गंजन करके तपलीख देख देख करके पीट पीट करके लोग समझा रहा था, हाथ से मोबाइल भी छीन लेता था लोग उसका, पीट करके उसको सताते सताते तबीयत खराब हो गया। हमारे पास ना कोई फोन किया ना कोई कुछ किया, मरने के बाद हमारे पास खबर किया। लड़की की मृत्यु के बाद आपको पता लगा? हाँ, मैं लड़की का भाई रंजीत पांडे। क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? हमारे घटना कब की है? ये घटना है मतलब 7वें 8वें पूजा की।
सात आठ पूजा की बात है, हम लोग को कुछ पता ही नहीं था। उसको ये लोग पैसे के लिए बार बार प्रताड़ित कर रहे थे कि हमें फ्रिज चाहिए, तुमको तुम्हारे पास में गैस चूल्हा नहीं है, ले आओ मांगो अपने बाप से, अपने भाई को बोलो। तो वो हम लोग से कुछ बोलती नहीं थी, जो भी था अपने से करती थी। एक दो बार बोली थी अपने जब आई थी गांव पे, तो लेकिन हम लोग बोले थे कि चलो ठीक है होगा तो देंगे, लेकिन ये लोग माने नहीं। उसको मतलब इतना मानसिक रूप से और शारीरिक प्रताड़ित किए कर करके एक दिन बहुत मार मारे। उसको मारने के बाद उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। फिर उसको लेकर वो जो सत्यनारायण पध्या है उसका ससुर ले कर गया उसको पीरपैती, वहाँ पर ले जा कर के जो भी इलाज कराया हो, डॉक्टर शायद बोला था उनको कि इसको लेकर के आप लोग जाइए कहलगांव मायागंज सॉरी भागलपुर, लेकिन भागलपुर ना ले जाके उसका जो जेठ है भसूर वो वहाँ पे पहले से कुछ काम धाम करता है रहता है बहुत दिन से गोड्डा में। अच्छा। तो उसने अपना जो भी जिस तरह से हो पैसा हो बात व्यवहार हो जो भी हो वहाँ पर थाना और ये सदर अस्पताल सब मैनेज करके पहले से रखा हुआ था और इसको वहाँ पे बुला लिया। बुलाने के बाद वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आप मृत्यु के बाद वहाँ पे आप लोगों को कब खबर मिला? मृत्यु के बाद वो लोग फ़ोन ही नहीं किए, किसी को कुछ बताए नहीं, फिलहाल सब मैनेज करके पहले से रखा हुआ था और इसको वहाँ पर बुला लिया। बुलाने के बाद वहाँ पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आप मृत्यु के बाद वहाँ पे आप लोगों को कब खबर मिला? मृत्यु के बाद वो लोग फ़ोन ही नहीं किए, किसी को कुछ बताए नहीं, फिर मैं किसी तरह पता लग गया, किसी तरह पता लगा, मैं फ़ोन किया अपने जो जीजा है ऋषिकांत उपाध्याय, तो वो बोला कि वो तो मर गई। मेरे को बात हुई थी, आप क्या वहाँ के किसी तरह पुलिस का सहयोग लिए थे? मैं पुलिस का जब ये बोला कि मर गई और उसके भसुर से मैंने बात किया तो बोला कि हम डेड बॉडी को ले जा रहे हैं जलाने के लिए, तो मैं बोला भाई आप ये क्या कर रहे हैं, हमें बताए आप पहले कि वो मर गई है या मेरे पापा को आप बताए, किसी को कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला और सीधा वो लोग लाश ले जाने की तैयारी कर लिए, एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ वहाँ पे तैयार कर लिए। फिर मैंने वहाँ पे थाने में फ़ोन किया, कहाँ पीरपैंती, पीरपैंती किया कि हम सोचे कि वहीं होगा। उसके बाद पीरपैंती वाला बोला कि नहीं ये इसीपुर थाने में आता है। क्या इसीपुर का थाना आपको सहयोग किया? हाँ बिल्कुल किया सर, वही तो सारा कुछ किए वो, उन्होंने वहाँ पे गोड्डा में फ़ोन करके वहाँ का जो थाना अध्यक्ष है उनसे बोला, उन्होंने बोला कि लाश को रोकिए बॉडी को, और उसका जो भाई है वो पोस्टमार्टम का डिमांड कर रहा है, फिर वो वहाँ पर उस बॉडी को रखो आए लोग। तो पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम कल हुआ है उसका, कल पोस्टमार्टम हुआ है। और वो भी के अधिकारी जो थाना और सदर हॉस्पिटल के थे, कब तक रिपोर्ट देने की बात कही है? उन्होंने उन लोगों ने बोला है कि एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर अंदर आपका रिपोर्ट जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाएगा। उन्होंने बोला कि मैं उनको कांटेक्ट करता हूँ, वहाँ से मंगाता हूँ, और मंगाने के बाद जो भी दोषी आरोपी है उनके ऊपर उचित जो कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। बिहार में जदयू की ओर से जनसंवाद यात्रा कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर नौगछिया के खगड़ा गांव में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें जदयू नेता संजय सिंह सहित कई नेता ने कार्यक्रम में शिरकत किए। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की 3 मुख्य मांगों को नेताओं के सामने रखा जिसमें 14 नंबर सड़क के चौड़ीकरण, खगड़ा गांव में बंद आयुर्वेदिक अस्पताल को चालू करने सहित गांव की अन्य कई समस्याओं को नेताओं के सामने रखा, जिस पर जदयू नेता संजय सिंह ने समस्याओं को जल्द खत्म करने और आयुर्वेदिक अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से बात करने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। अब तो आप ही के है ना, जो समस्या था मैंने उस विभाग के सेक्रेटरी से ही बात किया और मैं जो चीज ठान लेता हूँ उसको करके दम लेता हूँ। ये हमारा तो घर है, हमारा घर का काम है। हम लोग जनसंपर्क यात्रा में निकले, जो नीतीश बाबू ने काम किया बिहार में उसको लोगों को जन जन तक पहुंचाना है, जनसंपर्क जन से आदमी से संपर्क करना है, और उसका जो काम नहीं हुआ उसके बारे में जो काम हुआ उसका भी देखना है, और जो काम होने वाला उसको भी अपने दिल में रख रहे हैं, लिख रहे हैं, उस काम को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। अच्छा इसके बारे में दो देखिए, एक के बार तो सबका जादू का तो छड़ी नहीं है मेरे पास, हमने दो अच्छा सौ पर है। अच्छा ठीक है, वो आएंगे हम बोल दिए वो भी आइएगा तो लिख के लाएगा, हम कोशिश करेंगे इसको भी करा दें। निश्चित तौर पर आने वाला समय खुशखबरी का दिन रहेगा। चलिए
आज की जो राजनीति चल रही है सर, लगातार भाजपा वाला विरोध कर रहा है कि कुछ। अरे बड़का झुट्टा पार्टी के किसका बात करते हैं भाई, ये तो ठग है, ठगेगा 2024 में, फिर प्लान बन रहा है, लेकिन बिहार के लोग ठगाने वाला नहीं है। रोजगार का विकास बात आ रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी तो घोषणा कर दिया 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, हमारा नेता नीतीश बाबू जो कहते वही करते, 20 लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा, मेरा दावा। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में भागलपुर शहर के विधि व्यवस्था के कई बिंदुओं पर परिचर्चा करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान एसएसपी बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एसपी शुभम आर्य के अलावे कई वरीय पदाधिकारी के साथ ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के दर्जनों कार्यकर्ता एवं शहर के कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। परिचर्चा में भागलपुर में लग रहे जाम, यातायात व्यवस्था, ट्रैफिक नियमों के पालन करने सहित सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन भागलपुर के आत्मा प्रशिक्षण भवन तिलकामांझी में किया गया। कार्यक्रम का आयोजन आत्मा कार्यालय खादी और ग्रामोद्योग आयोग पटना के द्वारा आयोजित किया गया। आत्मा एवं केवाईसी के संयुक्त तत्वाधान में 16 प्रखंडों के तकरीबन 100 लाभार्थी इस कार्यक्रम में शिरकत किए। पटना केवीआईसी संस्थान से आए अधिकारी गोपाल कुमार सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है किसान के आमदनी में इजाफा कैसे हो, इस विषय को लेकर तकरीबन 100 भारतीयों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बैंकों के द्वारा 50 लाख रुपए तक ऋण दिए जाते हैं, जिसमें भारत सरकार के द्वारा 35% अनुदान रहता है। वहीं आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि आत्मा के केवीआईसी के तत्वाधान में सभी प्रखंडों के तकरीबन 100 लाभार्थियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। आगे भी यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहेगा, जिससे किसानों को काफी सुविधा मिलेगी। अभी हमारी एक योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, भारत सरकार की ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और इस योजना के तहत स्वरोजगार हेतु 50 लाख रुपए तक का ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, और इस पे भारत सरकार के तरफ से अधिकतम 35% का अनुदान भी प्रदान किया जाता है। तो इस योजना के साथ हम लोगों ने अभी आत्मा के साथ हम लोग जुड़े हैं, और ये प्रयास है हमारा कि जिले के जितने किसान हैं, हर प्रखंड 16 प्रखंड के किसानों को यहाँ पे उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, और किसानों की आमदनी में कैसे इजाफा हो, किसान वर्ग जो है वो इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त करें, और अपने जो किसान का जो काम करते हैं उसके अलावा और कौन से रोजगार के अवसर के साथ वो जुड़े, ताकि गांव में अपने घर में रहते हुए उनके आमदनी में अधिकतम इजाफा हो सके, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है। आज एक दिवसीय कर्मशाला का आयोजन किया गया है, और इसमें आत्मा भागलपुर सहयोगी संस्था के रूप में इनके साथ जुड़ी है। चूँकि केवीआईसी के माध्यम से कृषि और अन्य क्षेत्रों में स्वरोजगार सृजन के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, और भागलपुर जिले में आत्मा जो किसानों के बीच काम करती है, तो किसान और कृषि परिवार में से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे उद्यम के अवसर हैं, तो हम लोग केवीआईसी को आमंत्रित किए थे, और आज एक दिवसीय कर्मशाला हो रहा है जिसमें जिले के सभी प्रखंडों से लगभग 100 से अधिक प्रशिक्षणार्थी या इसमें रुचि रखने वाले किसान हमारे लाभार्थी यहाँ पहुँचे हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कमरगंज गांव में एक नाबालिग छात्र के लापता होने का मामला सामने आया है। इस मामले में लापता नाबालिग छात्र की माता मुन्नी देवी ने बताया कि मेरा 13 वर्षीय पुत्र सुमित कुमार अष्टम कक्षा का छात्र है, जो मंगलवार के दिन सुबह 7 बजे घर से किराना का सामान लेने के लिए निकला था, तब से अब तक वापस नहीं आया है। पूरे परिवार एवं रिश्तेदारों के घर में खोजबीन की गई है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। इसको लेकर थाना में लिखित आवेदन देकर लापता नाबालिग छात्र सुमित कुमार की बरामदगी की गुहार लगाई गई है। वहीं पुलिस पूरी घटना की जानकारी लेते हुए लापता छात्र के खोजबीन में जुट गई है।